हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए लगभग 20 रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और आज के वीडियो में हम लोगों जो है 21 नंबर के क्वेश्चन से है सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है सुनार। सुनार का संबंध दिया है स्वर से। तो वैसे ही आप लोग चारों ऑप्शन में देखिए कौन सा राइट आंसर है। तो देखिए, जैसे स्वर यानी सोने की चीज़ें जो बनाता है वो बनाता है सुनार, तो वैसे ही इसमें जो ऑप्शन ए दिया है बढ़ई का संबंध लकड़ी से, इसका राइट आंसर है, क्योंकि लकड़ी की जितनी सामान हैं सारे के सारे जो है वो बढ़ई बनाता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उन विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के सही रूप से प्रस्तापित करेगा, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा इस चारों ऑप्शन में से आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, डी, डी के बाद ये क्या हुआ है, जी, यानी +3। फिर ऐसे ही एफ से यहाँ पे जे हुआ है, एफ जी एच आई, यहाँ पे हुआ है +4। ऐसे यहाँ भी हुआ है, जी से जे पहुँचने तक +3 हुआ है। फिर ऐसे ही जे से एन, यहाँ पे +4 हुआ है। तो ऐसे ही जे के बाद +3 आप लोग ऐड करिए, जे के एल, उसके बाद क्या आएगा, एम, फिर एन में +4 ऐड करेंगे, एन ओ पी क्यू, तो क्या आएगा, आर। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो दूसरा शब्द पहले शब्द से रखता है। इसमें दिया है केन्या का संबंध नैरोबी से, तो वैसे ही नॉर्वे का संबंध किससे होगा, चारों ऑप्शन में से ओस्लो, हवाना, लंदन या पेरिस। तो इसमें जो क्या हुआ है, इसमें जो है केन्या की राजधानी है नैरोबी, वैसे ही नॉर्वे की राजधानी क्या है, तो वो है ओस्लो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देश दिया गया है कि इन प्रश्नों के दो भाग हैं, पहले दो शब्दों के बीच कोई विशिष्ट संबंध है और दूसरे भाग में कोई संबंध स्थापित करने के लिए जो है दिए गए विकल्पों में से जो है आपको सही उत्तर बताना है। तो जैसे भोजन का संबंध दिया है खाना से, तो वैसे ही पानी का संबंध क्या होगा, तो देखिए भोजन क्या किया जाता है, खाया जाता है, तो वैसे ही पानी क्या जाता है, पिया जाता है। तो यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, पीना। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है रेफ्रिजरेटर का संबंध दिया है ठंडा करने से, तो वैसे ही आपसे पूछा है अवन, अवन का संबंध किससे होगा, तो ये होगा गर्म करने से, क्योंकि रेफ्रिजरेटर जो है वो ठंडा करता है और अवन जो है वो गर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दौड़ का संबंध थकावट से दिया है, तो ऐसे ही चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट है। तो देखिए दौड़ने से क्या होती है, थकावट होती है, तो ऐसे ही ऑप्शन बी में जो दिया है उपवास, उपवास रखने से क्या होता है, तो भूख लगता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है किक, किक का संबंध दिया गया है फुटबॉल से, यानी किक जो ये खेल से संबंधित एक नाम है ये किस में प्रयोग होता है, तो फुटबॉल में, तो वैसे ही जो ऑप्शन बी दिया है बैटिंग, ये किस में प्रयोग होता है, क्रिकेट में, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निर्देश दिया गया है दिए गए विकल्पों में से वह शब्द ज्ञात कीजिए जो अन्य शब्दों से विषम है, तो आपको विषम शब्द बताना है, तो कौन सा राइट आंसर होगा। तो चारों ऑप्शन आप लोग देखिए अच्छे से, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। कैसे, तो देखिए जो ऑप्शन ए में दिया है जॉन एफ कैनेडी, ऑप्शन बी में दिया है जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन डी में अब्राहम लिंकन, तो ये जो तीनों हैं ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, बल्कि जो ऑप्शन सी में विंस्टन चर्चिल दिया है ये जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो ये जो है विषम है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऐसे इसमें भी आपको विषम बताना है कौन सा जो है वो विषम शब्द है।
ए में इंदिरा गांधी है, बी में लाल बहादुर शास्त्री, सी में जवाहरलाल नेहरू और डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए जो ऑप्शन ए बी और सी तीनों दिया है, ये तीनों जो है वो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, जबकि ऑप्शन डी में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ये जो है ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। तो ऑप्शन डी इसमें विषम है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, नीचे दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी। दो, दो के बाद क्या दिया है, सात, सात के बाद 14, फिर 14 के बाद 21, सॉरी चार के बाद 21, फिर उसके बाद से है 6, फिर 43, फिर 8। तो ये कैसे हुआ है देखिए, दो, तो दो में क्या करें कि उसके बाद सात आ जाए। तो देखिए दो में एक, दो के बाद क्या आता है, तीन, तो दो का मल्टीप्लाई तीन हुआ है और प्लस वन हो गया है, तो ये हो गया है सात। ऐसे यहाँ पे चार दिया है, तो चार से एक बढ़ा के ये पाँच हुआ है और पाँच में एक जोड़ दिया गया है, तो ये हो गया है 21। फिर ऐसे ही छः में क्या किया गया है, एक बढ़ा के यानी सात से मल्टीप्लाई किया गया है, 6 7 42 और एक जोड़ा गया है, तो ये हो गया है 43। तो ऐसे ही आठ में क्या होगा, तो आठ से एक बढ़ाएंगे तो होगा नौ, तो यानी 8 × 9 प्लस वन क्या होगा, ये होगा 73। तो ऑप्शन बी में दिया है 73, तो इसका राइट आंसर हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न, 31 नंबर का प्रश्न है, घड़ी से क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हों तो उस समय घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण निकालने का, उसे आप लोग याद रखें। क्या होता है वो, तो देखिए ये होता है थीटा बराबर 60 H, H क्या है घंटा है, -11 m, m क्या है मिनट है, बटे में 2। तो बस आपको क्या करना है, जो घंटा देता है उसको जो है यहाँ पे रख देना है और जो मिनट दिया है यहाँ पे उसको रख देना है। तो 60 × 7 − 11 × 30 और बटे में 2, तो इसे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 420 − 330। जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 0 हो गया और ये 9 हो गया और फिर ये जो है कट गया, तो यहाँ पे 0 हो गया और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 से नीचे एक पासे के चार प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो अगर आपने पासे का क्वेश्चन पढ़ा होगा और नियम भी पढ़ा होगा तो आपको एक चीज़ पता है कि ये जो दिया गया है ये जो है कामन सतह का इसमें जो है रूल लगा है। देखिए जो सेकंड दिया है और फोर्थ दिया है इसमें जो है कामन सतह का रूल लगाएंगे, तो हम लोग इसको दो जो है कॉमन है यहाँ पे, तो इसको क्लॉक वाइज जब हम लोग ऐसे लिखेंगे तो 2, 5 और 4, ऐसे यहाँ पे जब क्लॉक वाइज करेंगे ऐसे तो इसको लिखेंगे 2, 6 और 3। तो हमको 3 के विपरीत सतह पर बताना था तो ये मिल गया 4, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33, श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प से रिक्त स्थान को भरें। तो देखिए ये श्रृंखला दिया गया है, बाकी यहाँ पे आगे बताना है आपको क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, ए से बी हो गया है, बी से सी, सी से डी और डी से यहाँ पे क्या आएगा ई, तो ई तो सब में है। फिर देखें हम लोग जेड से डब्लू हुआ है, यानी ये हुआ है -3 WXY और यहाँ पे जेड, ये -3 हुआ है। फिर ऐसे ही ये आर, आर से क्या हुआ है यानी W से R हुआ है, तो ये क्या हुआ है, तो यहाँ पे जो है -5 हो गया है। कैसे, R से आप लोग -5 करें, RSTUV, तो ये -5 हुआ है। फिर ऐसे ही यहाँ से K से R हुआ है, तो यानी KLMNOP
क्यू, तो ये -7 हुआ है, यानी सब में जो है -2 जो है वो हुआ है। तो ऐसे ही -7 में -2 फिर ऐड होगा तो वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -9। तो -9 क्या करने पे आएगा, तो देखिए सबसे पहले ई लिख लेंगे, फिर यहाँ पे क्या आएगा बी, जब बी से हम लोग -9 बढ़ेंगे तो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो यहाँ पे के मिल जाएगा, तो यानी ई बी और वाई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम श्याम से 315 दिन बड़ा है और कृष्ण जो है राम से 70 सप्ताह जो है बड़ा है, यदि कृष्ण का जन्म जो है बुधवार को था तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ था। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग विषम दिन निकाल लीजिए, तो 70 सप्ताह दिया है, यानी कि 70 में 7 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये टोटल दिन आएगा आपका 490, और विषम दिन निकालने के लिए 7 से जब डिवाइड करेंगे तो ये टोटल कट जाएगा, इसमें जो है 0 विषम दिन है। ऐसे ही 315 में कितने विषम दिन होंगे, तो 315 में 7 से डिवाइड करेंगे तो ये भी टोटल कट जाएगा, तो ये इसमें भी जो है 0 विषम दिन है, यानी जो है श्याम का जन्म जो है वो भी जो है बुधवार को हुआ था, क्योंकि जो है विषम दिन हमको 0 मिल रहे हैं, तो जो कृष्ण का था वही जो है श्याम का होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, एक स्थिति में ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है, इस स्थिति के 16 वर्ष बाद ए की आयु उसके वर्तमान आयु की जो है वो 3 गुना हो जाएगी और बी की आयु उसके वर्तमान आयु की जो है 5 गुना हो जाएगी, तो यह बताइए कि शुरू की निर्दिष्ट स्थिति से 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु क्या थी। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो है ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो सबसे पहले हम लोग बी की आयु मान लेते हैं, बी की आयु मान लेते हैं कि एक्स वर्ष है, और ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है, यानी ए की आयु क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 4, क्योंकि यह बी से जो है 4 वर्ष बड़ा है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि इस स्थिति के 16 वर्ष बाद ए की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुना हो जाएगी, यानी 16 वर्ष बाद, तो x प्लस 4 ए की आयु है और 16 वर्ष बाद यानी प्लस 16, उसके बाद क्या हो जाएगा, यह वर्तमान आयु का जो है 3 गुना हो जाएगा, तो यानी वर्तमान आयु है ए का x प्लस 4, इसका 3 गुना हो जाएगा, तो इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 12 और ये हो जाएगा x प्लस 20, फिर x इधर आएगा माइनस 3x हो जाएगा, जब 3x इधर आएगा तो x माइनस 3x, फिर ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 12 माइनस 20, यानी ये हो जाएगा माइनस 8 और ये हो जाएगा माइनस 2x, तो ऐसे माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी बी की आयु जो है वो 4 वर्ष है, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 8, लेकिन हमसे क्वेश्चन में 2 वर्ष पहले का पूछा है, तो 2 वर्ष पहले बी की आयु -2 कर देंगे और ए की आयु में भी जो है -2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 वर्ष बी की आयु और 6 वर्ष जो है वो ए की आयु, तो किस में दिया है, देखिए ए की आयु 6 वर्ष और बी की आयु जो है 2 वर्ष, तो ऑप्शन ए राइट हो गया। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।